Wallace Pathan will just be reading out a statement and we will not be taking any more questions. सवाल जवाब आप तो सब पत्रकार रह चुके हैं, आप ये सब करेंगे तो कैसा आपका भी कल वीडियो बहुत वायरल हो जाता है। गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले कुछ दिनों से दिन और रात मेरे ताल्लुक से जो भी मीडिया में खबरें दिखाई जा रही है उसे एक ऐसा भ्रम तैयार किया जा रहा है मानो मैं देश विरोधी हूँ और दूसरे धर्म विशेषकर हिंदू धर्म के लोगों के खिलाफ। 25 फरवरी को कर्नाटका के गुलबर्गा शहर में CA और NRC के खिलाफ एक जलसे में मैंने जो कहा कि हम 15 करोड़ 100 पर भारी हैं, उसका कतई ये मतलब नहीं होता कि मैं हमारे देश के हिंदू भाइयों के खिलाफ में ये जुमला कहा, बल्कि मेरे बोलने का मकसद बस इतना था कि CA के नाम पर 15 करोड़ मुसलमान नाराज हैं। साथ ही संविधान में विश्वास रखने वाले दूसरे धर्म और जाति के लोग भी शामिल विरोध कर रहे। झांसी की रानी की तरह हमारी शेरनी जैसी बहनें आज 1.5 महीने से सड़क पर बैठकर अपना विरोध जता रही हैं। फिर भी इस देश के महज 100 लोग ही ऐसे हैं जो 15 करोड़ मुसलमानों के खिलाफ साफ दिखाई दे रहे हैं, चाहे फिर वो RSS के हो, BJP के हो, बजरंग दल के हो या अन्य किसी पार्टी या संगठन के। मैंने इन्हीं की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि हम 15 करोड़ ये 100 पर भारी है। ये वो 100 लोग हैं जो इस खूबसूरत से महान देश में जो लोग एक कानून लाकर बांटना चाहते हैं, उसमें कुछ पत्रकार भी हैं जो रोज रात प्राइम टाइम में अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त बताने का दावा करते हैं और रोज एक छोटी सी बात को अपने एजेंडा के हिसाब से तोड़ मरोड़ कर देश को बहकाने और गुमराह करने का काम करते हैं। मैंने पहले भी कहा था, मुझे अपने इस भारत देश पर गर्व है। मैं एक सच्चा मुसलमान हूं जिसके मजहब में अपने मुल्क से मोहब्बत और वफादारी का सबक हमें बचपने से सिखाया जाता है। आई एम अ ट्रू इंडियन मुस्लिम एंड नो वन कैन चैलेंज और रेज क्वेश्चंस अबाउट माई लव एंड रिस्पेक्ट टूवर्ड्स दिस ग्रेट नेशन एंड द पीपल हु लिव हियर, वेदर दे आर हिंदूज, दलित्स, सिख्स, पारसीज और एनीवन। मैं कभी भी किसी धर्म की आलोचना नहीं की है, मैंने सभी धर्मों का आदर किया है और करता हूं और इन धर्मों के मानने वालों की इज्जत करता हूं। द ब्यूटी ऑफ दिस ग्रेट नेशन इज प्लुरलिज्म एंड सेकुलरिज्म। हमारे आपस में कुछ मुद्दों पर विवाद हो सकता है और लोकतंत्र में ये होना भी चाहिए, जिसका अधिकार हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने दिया है। मैं एक बार फिर से साफ कर देना चाहता हूं कि मैंने ऐसा कोई बात नहीं की जिसका मतलब गलत तरीके से निकालकर मुझे निशाना बनाया जा रहा है। इसमें राजनीतिक षड्यंत्र के जरिए मुझे और मेरी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसके बावजूद अगर मेरे किसी शब्द से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, सिर्फ इसीलिए कि मैं इस देश का एक सच्चा नागरिक हूं और गर्व करता हूं अपने आप को भारतीय कहने पर। जय हिंद। वारी भाई, स्क्रिप्ट जो है पार्टी की तरफ से है कि आपके अल्पाज किसी किसी की भावना को अगर हर्ट हुआ तो वाणी पर आप अपोलोजाइज कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं क्या? दबाव में आके आप माफी मांग रहे हैं जिस तरीके से मीडिया और मैंने आपको स्टेटमेंट दे दिया है। नहीं सर, लेकिन माफी मांग रहे हैं क्या? ये जो आप माफी मांग रहे आप कह रहे हैं सब वापस ले रहे हैं। वितर्क आपको जो समझने का है, बारिश पठान ने बड़े साफ शब्दों के अंदर कह दिया है कि
ये उनके शब्द वापस ले रहे हैं एंड हम आप सभी लोगों से अनुरोध करते हैं इस देश के अंदर और भी बहुत गंभीर विषय है।